सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैगन। तो उसके लिए लिया मैंने आधा किलो बैगन। और देखिएगा, बैगन तो आपने कई बार बनाए होंगे, भर में ही बनाए होंगे। एक बार मेरे स्टाइल से बना के देखिए और मेरी बनाए बताई गई चीज़ों से बना के देखिए, और फिर देखिएगा आप बैगन कितने अच्छे लगते हैं भर में। तो देखिए, मैंने आधा के जी लिए बैगन, इनको कट करेंगे। हम बैगन को कट करेंगे तो पहले लेंगे पानी, और देखिए इस तरीके से हमने लिया बैगन और इस पर करेंगे हम इसको चार भागों में बांटेंगे। नीचे से नहीं काटेंगे, ऊपर ऊपर से हमें इसके इस तरीके से चार पीसेस कर देना है ऐसे। इसको पानी में डाल देना ताकि ये काले ना पड़े। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो बैगन काले पड़ जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे बैगन के ऐसे करते हुए चार पीस कट कर लेते हैं। अलग अलग नहीं करना है हमें, इसके साथ में रखना है। सिर्फ इसके इस तरीके से चार पीस कर लेंगे और इसको पानी में ही डालेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे बैगन को कट कर लेंगे। साथ ही में लिया है मैंने यहाँ पे नारियल और कुछ मूंगफली के दाने लिए हुए हैं, और दो चम्मच लिए हुआ सफ़ेद तेल। अब इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इनको भूज लेंगे, जलने नहीं देंगे, हल्का हल्का इन्हें हम भूज लेंगे। एक चम्मच लिया है मैंने सूखा धनिया यहाँ पे, और एक ही चम्मच लिया है यहाँ पे जीरा। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा भूज लेंगे। इन सारी चीज़ों को अलग अलग हमें भूजना है, इकट्ठा नहीं भूजना है, अलग अलग ही भूजना है। जैसे साथ लिए लहसुन की कलियाँ, इनको भी हम हल्का हल्का सा भूज लेंगे। सारी चीज़ें हम भूज लेंगे तो लेंगे एक मिक्सी बाउल, उसमें हम ये सारी भूजी भूजी चीज़ें डाल देंगे। तो मैंने डाल दिए यहाँ पे भूजी हुई मूंगफली के दाने, और देखिए यहाँ पे डाल दिए मैंने ये धनिया, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, भूज लिया है। यानी कि ऐसे भूजना, सूखा कुछ डाल के नहीं भूजना है। फिर देखिए एक चम्मच जो जीरा लिया था वो भी डाल देंगे हम, और जो तिल ली थी वो भी डाल देंगे, उसको भी मैंने भूज के ले लिया है। और देखिएगा नारियल, इसको भी मैंने भूज लिया है, ये भी डाल देंगे हम। और साथ ही में डाल देंगे हम देखिएगा लहसुन के पीसेस को, एक चम्मच डाल देंगे हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच डाल देंगे यहाँ अमचूर पाउडर, और इनको अच्छा सा पीस लेंगे। सूखा ही पीसना है, पानी नहीं डालना है हमें, ऐसे इसको पीस लेना है। देखिएगा मसाला पिस चुका है इस तरीके से, और इसको निकाल लेंगे बाउल में। यह खाली बाउल, सारा मसाला हम इसी में निकाल लेंगे। मसाला हमने सूखा पीसा हुआ है, इसमें कोई पानी नहीं डाला है। इस तरीके से हमने जो बैगन काट के रखे होते हैं ये मसाला इसमें भर देंगे। देखिए ऐसे हमें भर देना है मसाला। हमने इस तरीके से सारे बैगनों को भर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डालेंगे तेल और इनको फ्राई करेंगे। देखिए तेल हो चुका है गरम। यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है, क्योंकि इनको फ्राई भी करना है अच्छी तरीके से। तो जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम कुछ सरसों के दाने, और इनको अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद में डाल देंगे प्याज, 2 डाली हरी मिर्ची, साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और इसे अच्छी तरह से भूजेंगे। प्याज जब भून जाएगा तो ये मसाला जो हमने बनाया हुआ था इस तरीके का, वो इसमें डाल देंगे। बचा हुआ कुछ हमने बैगनों में भर दिया, बचा हुआ वो हम इसमें डाल देंगे। लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच नमक। कुछ चम्मच पहले हमने मसाले में डाल दिया था, कुछ यहाँ पे नमक, कुछ यहाँ डाल देंगे। उसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे।